अभी हम और इसकी सीरीज चला रहे हैं जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उनको इजी बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी करें। एक नहीं, मैं बहुत टेक्निक सिखाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। मैं ऐसे गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर टर्म इन्वॉल्व होते हैं उनको इजी करके किस प्रकार सॉल्व करा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये कल मेरी ड्यूटी लगी थी संडे के दिन, और ये बैंक के कंपटीशन का सवाल है जी, आप कर सकते हैं। बच्चे ट्राई कर रहे थे लेकिन गलत सलत कर रहे थे। चार आंसर हैं, वो ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगा रहे थे, ए को लगा दो, बी को लगा दो। अगर आपके समझ में ये आता है कि 505 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 303 की कैसे करते हैं, तब ही आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और कंपटीशन के अंदर ये आप समझ के चलिए कि अगर आप 100 क्वेश्चन आते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है, तब आप टेक्निक के बगैर सवाल अगर करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। कंपटीशन के अंदर जितने क्वेश्चंस आते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व बाय टेक्निक, उससे ही सॉल्व होता है। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है थ्री नंबर्स। इसका मिडिल नंबर जीरो हो, जैसे कोई सा नंबर ले लीजिए, 3 5 0 3 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लीजिए मिडिल नंबर जीरो हो, चलिए साहब नंबर जीरो होगा तो कोई सा ले लीजिए, 4 0 7 मैंने ये ले लिया। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में है, ये भी बताऊंगा किस फॉर्म में। ये फॉर्म है AOB मल्टीप्लाई COD, इस फॉर्म के नंबर हैं ये, इस फॉर्म के नंबर हैं ये। बीच में मिडिल में जीरो आ रहा है, देखिए कंपटीशन में जितने सवाल दिए हैं चार में जीरो आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप सीखिएगा इजीली। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप गलत करना, टाइम लगाएंगे। तो कैसे करेंगे अब आप वो देख सीखना शुरू करिए। मैं इस तरीके के काफ़ी सवाल आपको करा रहा हूँ और आप जो है परफेक्ट हो जाएं, वो हमारा टारगेट है। चलिए सबसे पहले इसमें ये करते हैं, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट और 100 डिजिट, यूनिट 10 और 100, फर्स्ट डिजिट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि फर्स्ट डिजिट की इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए टू डिजिट में ही लिखेंगे। अगर एक डिजिट आता है, सपोज करो 8 आता है, 9 आता है मल्टीप्लाई करने में, तो उसमें जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, आंसर टू डिजिट में लिखेंगे। तो 7 3 21 स्टेप आ गया। और ये माइंड में करने का सवाल है, आपको दिखाऊंगा कितनी जल्दी करेंगे आप, 21 आ गया, ठीक है सर। अब आप अंदर अंदर और बाहर बाहर के गुणा करेंगे, देखिए अंदर अंदर का ये है और बाहर बाहर की ये है, इनकी मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, 3 4 12 और 7 5 35 47, तो 47 ही लिख दीजिए यहाँ, ठीक है समझ गया। अब आप आइए थर्ड नंबर और इसका भी थर्ड नंबर लीजिए, इसका भी थर्ड नंबर लीजिए और इसका भी, यानी ये स्टेप, ये वाला थर्ड नंबर और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 दिस इज द आंसर आ गया, इसकी प्रोडक्ट आ गई साहब। फिर समझ लीजिए मैंने क्या किया, चलिए दूसरे नंबर से समझाते हैं आपको। दूसरे नंबर से कोई नंबर ले लीजिए, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है साहब। अब पहला मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट से करिए, 8 9 72 लिख दीजिए, फिक्स हो गया, दो नंबर में लिखना तो टू डिजिट आ गए। अब अंदर अंदर और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 9 7 63 और 2 8 16 और 9 7 63 और 8 2 16 इसके ऐड करके लिख दीजिए, कैरी ओवर होगा तो अगले उसमें जाएगा, दो ही डिजिट में लिखना है। तो ये 3 6 9 और 6 1 7 79 हुआ, तो कैरी ओवर नहीं आया, बस ठीक है कोई नहीं। अब थर्ड डिजिट की थर्ड डिजिट, इसका थर्ड डिजिट, इसका थर्ड डिजिट, 14, ये 14 लिख दीजिए, आंसर आ गया। अब बस समझा दिया आपको, अब फास्ट करना सीखेंगे, फास्ट करेंगे, ये तो बहुत हो गया, चलिए फास्ट करते हैं। देखिएगा
203 कोई सा नंबर ले लीजिए, 502 लिया मैंने, जान के 2 लिया ताकि आपके समझ में आए। तो देखिए यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट्स है 6, तो 6 नहीं लिखूंगा मैं, 06 लिखूंगा, 2 डिजिट में मुझे लिखना है, ठीक है। था अंदर अंदर ये वाले अंदर अंदर, और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 35 या 15, 24 या 2 19 भाई, 15 और 4 19, और लास्ट डिजिट इसकी और लास्ट डिजिट इसकी ये वाली, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, दिस इज द आंसर। आया समझ में? ये एक और देखिए, फिर उसको भी देखेंगे, पहले एक और देख लीजिए, भारी देख लीजिए। चलिए साहब, 709 मल्टीप्लाई बाई 907 मैंने ऐसे लिख दिया, देखते हैं सब क्या होता है। तो चलो यूनिट डिजिट की यूनिट्स है, यही तो है इसका, तो 79 या 63 टू डिजिट में आ गया, बहुत बढ़िया। अंदर अंदर और बाहर बाहर की गुणा करके लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 99 या 81 और 77 या 49 इसको ऐड करके लिख दीजिए, कैरी बोलोगा बाहर आएगा, तो देखिए 0 9 4 13 130 आया, 30 लिखूंगा, 1 कैरी ओवर लाऊंगा, 1 कैरी ओवर याद रखिएगा। और थर्ड डिजिट की इससे करिए, तो 97 या 63 और 164, दिस इज द आंसर। मैं समझता हूँ आप इसकी तरकीब खूब अच्छी जान गए हैं, अब हम फास्ट करना सिखाएंगे आपको, फास्ट कैसे करते हैं मैं मिटा रहा हूँ। अब हमने आपको मेथड समझा दिया, चलिए बच्चों अब हमारा बोर्ड तैयार हो गया, अब हम माइंड में करेंगे, लिखना भी नहीं चाहेंगे, माइंड से ही सवाल करके आंसर बताएंगे। तो देखिएगा पहला सवाल, मैंने लिखा ये, तो चलिए साहब, पहला सवाल का आंसर आ गया। मैं नहीं कह रहा कैसा करा, आपको मेथड समझा दिया गया था उस तरीके से। और देखिए, और देखिए, देखिए कितनी जल्दी होगा, कैलकुलेटर से कर लीजिए, आपको इससे जल्दी क्या करेंगे। आप कहेंगे कैसे करा, आपको मैंने मेथड समझा दिया, आप उससे करिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। और देखिए, और देखिए, मिडिल में 0 जरूर आना चाहिए, देखिए ईच एंड एवरी नंबर ए ओ ओ माने 0, 0 जरूर आना चाहिए बीच में, उस सवाल को भी करेंगे, पहले देख लीजिएगा। चलिए साहब अब इसका करते हैं, करिए कैसे, तो देखिए यूनिट प्लेस, अब मैं बोल रहा हूँ, चलिए मेरी आदत हो गई, तो मैं 2 डिजिट में लिखूँगा, ये 2 डिजिट में लिख दिया, ठीक है। अंदर अंदर 7 और 5 और 20 27 और 7 चौक 28 आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, चले आगे। अब हम आपको ये हमने सब सिखा दिया, कैरी ओवर लेना, ये लेना, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देयर आर 2 मेथड जिसके मैं दिखाऊंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिएगा। इस स्टेट बैंक का ये सवाल परसों इस बैंक के कंपटीशन में आया था, 2 मेथड, एक तो है 505 का स्क्वायर कर दीजिए, हमारी टेक्निक देखिएगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर का वीडियो देखिएगा, उसमें 505 का स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए, यहाँ पर 303 का स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए 40 करके लिख दीजिए, एकदम आंसर आएगा। चलिए पहले मैं तो अपनी तरकीब से ही दिखा रहा हूँ, चलिए साहब, तो पहले यहीं रखा रखा कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट, चलिए उतार लीजिए, पहले मैंने उतार रहा हूँ सवाल को, अब देखिए देयर आर 2 मेथड मैंने कहा आपको, अब देखते हैं। पहले मैंने अपने इसी मेथड से करा रहा हूँ, 505, तो पहले आपको बताया था यूनिट प्लेस की करिए, तो क्या आएगा 25, 55 जा और 55 जा, लास्ट डिजिट ऑफ मिडिल टर्म का 50 हो गया, फिर यूनिट प्लेस का करिए 25 हो गया, माइनस अब इधर आ जाइए 33 या 9, मैंने कहा था यूनिट 2 डिजिट में लिखिएगा, अब 33 या 9 और 33 या 9 18 लिख दीजिएगा, और थर्ड प्लेस का थर्ड प्लेस से करेंगे तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाई, ये था सवाल।
अब इस मेरी तरकीब से हो रहा है, तो देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 32, और थर्ड डिजिट का 4 4 जा 16 आ गया। अब इसे घटा दीजिए, घटा के आंसर आपका आ रहा है, तो देखिए क्या आएगा घटा के। मैं घटाना छोटा नंबर ये तो इससे करूँगा, नीचे का देखिए यही डिजिट है, ये कट गया, इससे आंसर आ गया 1। कौन सा आंसर है इसमें? ये वाला, दिस मेथड से जो आया, यही तरीका करें। अब आप हमारा दूसरा मेथड देखिए स्क्वायर का, इसी सवाल को स्क्वायर से देखिए। देखिए 505 यहाँ लिखते हैं हम, नंबर वही आएंगे जो करा था, 505 का स्क्वायर कर दीजिए साहब। 505 का स्क्वायर आपको सिखाया था क्या कि इजी नंबर बनाइए, इजी नंबर क्या है 500, कितना नीचे आए 5 5, ऊपर जाइए तो 5 5 ऊपर जाएंगे तो 5 0 10 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो देखिए क्या आएगा, यहीं कर लीजिए 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 25, तो 2 0 हैं तो 25, मुँह जवानी करा करें मन मन में, इसके गुणा करिए तो 500 5 1 5 5 5 25, बोलो यही आया था नंबर अभी अभी आया था। चले दूसरा देखिए, 303 का स्क्वायर, इजी नंबर बनाइए 300, कितना नीचे आए 3 3, ऊपर जाइए 306, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 3 ऊपर गए 3 नीचे गए तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 डिजिट में करेंगे तो 09, इसके 3 से इसके गुणा कर दिए 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, बोलो यही नंबर आया था अभी अभी करा था। चलिए 404 का और दिखा दें आपको, ये टेक्निक है हमारी, 404 का स्क्वायर भी देख लीजिए, इजी नंबर पे आइए 400, कितना नीचे आए 4 4, तो 4 ऊपर जाइए 404 प्लस 8 408, कितना नीचे आए 4, ठीक है साहब, इसके इससे गुणा कर दीजिए, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 4 चौक 16 ऐड कर दीजिए, हो गया 4 चौक 16 ऐड। अब 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, बोलो बेटा यही नंबर आए थे आपके अभी जो हमने सवाल करा था, ऊपर आंसर दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, आप चेक कर लीजिए पुराने सवाल में, दिस इज़ द मैथड। तो मैं समझता हूँ आपको 3 नंबर की डिजिट जिसमें बीच में 0 हो, मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट का 0 हो और मल्टीप्लाई में बीच में भी 0 हो, ए ओ बी सी ओ डी 205 900, कुछ भी ले लीजिए 7, अपने आप बनाइए क्वेश्चन और अपने आप करिए, आपको अवश्य ही सॉल्व करने में इजी लगेगा। और अगर इजी लगेगा और इजी टेक्निक है ये, तो हमारे चैनल को आपने पसंद करा है तो सब्सक्राइब अवश्य करा करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए अभी हम और इसकी सीरीज चला रहे हैं, जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उनको इजी बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी करें, एक नहीं मैं बहुत टेक्निक सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए